आज हम बनाएंगे बटर चिकन। और सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन टिक्का, जिसे मैरिनेट करेंगे और रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो सबसे पहले ये मैंने एक टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है, और ये डाला है थोड़ा सा फूड कलर और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बढ़िया से ऑयल में। और उसके बाद ये हमने इसमें डाल दिया आधा किलो चिकन है। और इसके बाद इसमें निचोड़ देंगे आधा नींबू, ये आधा नींबू का रस इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच दही और एक चम्मच और डालेंगे दही। ये हमने दो से तीन चम्मच दही डाला है। और आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के करीब एक गर्म मसाला पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और इसे अच्छे से बस हाथों से मिक्स करेंगे। और इसे ऐसे मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी चिकन के पीस है सब में अच्छा सा मैरिनेट हो जाइए। और उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे 20 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और अंदर तक इसका मसाला चला जाए। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। और ये 8 से 10 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और हमने इसे बड़ा बड़ा सा चॉप कर लिया है मोटा मोटा सा, और इसे पानी में डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 प्याज, ये भी हमने मोटी मोटी से चॉप कर ली थी, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये 4 हरी मिर्च थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे साथ में। और ये 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये नमक लिया हमने आधा चम्मच, ये नमक और मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा डालें, आपको जितना पसंद हो। और ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसमें डालेंगे ये नारियल, आप चाहें तो नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा खड़ा मसाला भी डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर से आधा चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे। और ये थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद थोड़ा सा बटर या ऑयल ऊपर से डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा उबाल दे देंगे इसमें, इस तरह से चला लेंगे इसको हल्के हल्के से आराम आराम से। और अभी थोड़ा सा पकने लगा है तो अब बस हम ढक्कन ढक देंगे इसका, और कम से कम 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि टमाटर प्याज एकदम से गल जाए। और अब 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गल चुका है, और अब सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे और जितना हो सकेगा उतना बारीक इसको पीसेंगे मिक्सी में। उसके बाद ये मैरिनेट हमारा चिकन हो चुका था, 20 मिनट हो चुके थे इसको। तो हमने एक नॉनस्टिक तवा लिया है और उसे हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था अच्छे से। और ये जितने भी चिकन के पीस है ना, एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने सारे पीसेस पे डाल दिए। और उसके बाद बस इस तरह से पलट पलट कर इसको इसी तवे पे भूनेंगे, और गैस की फ्लेम मीडियम और हाई दोनों रखेंगे, लो बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसे इसी तरह से पलट पलट के इसमें कलर आना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन, जैसे कि आँख पे सिकता है ना, टिक्का बनता है, इस तरीके से होना चाहिए। और अभी इसमें काफ़ी सी ग्रेवी है, थोड़ा सा ये जितना भी मसाला है ना सारा मिक्स हो जाएगा इसी के अंदर थोड़ी देर के बाद, और ये अच्छे से पक जाएंगे और इनका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, जैसे चिकन टिक्का बाज़ार में होता है बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। और अभी देखिए इसका कलर अच्छे से ब्राउन सा होना शुरू हो गया, ये पक चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है। और बस हम इसे इतना ही पकाएंगे और उसके बाद इसे सबको निकाल लेंगे। और ये बनके तैयार है। अब हम धीरे धीरे सारे पीस सारे निकाल लेंगे, और ये अच्छे से सिक चुका है तवे पर, और आप चाहे तो गैस के ऊपर भी इसे सेक सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमने मिक्सी में पीस लिया था ना, टमाटर का पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल बिल्कुल बारीक कर लिया था इसको, इसी तरीके से हमें इतना ही बारीक इसको बना लेना है। और अब हम इसके बाद इसको छानेंगे, और ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छन्ने में डाल देंगे, और उसके बाद इसे छान छान कर निकाल लेंगे। हमें छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा रह जाता है मसाला, जो नहीं पिसता है, और फिर वो बाद में पकने के बाद खाने में मुंह में आता है तो फिर वो बुरा लगता है। तो इसलिए हमें पहले इसको छान लेना है, क्योंकि छानने के बाद इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना बिल्कुल क्रीमी बनेगी, और ये इतना सारा निकला है इसमें से। और अब हम ये बाकी का जो मोटा मोटा सा था उसे फेंक देंगे, और ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल छन चुकी है, क्रीमी बन चुकी है। और उसके बाद
हम एक कढ़ाई लेंगे, बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें भर के 1 से 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च। थोड़ा सा इसको चला लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे ये जो हमने छान के टमाटो की प्यूरी रखी थी ना, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये हमने सारी इसमें डाल दिए और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से बढ़िया से। और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने चिकन टिक्का बना के रख लिया था ना पहले से, अब हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसे मीडियम और हाई फ्लेम पे इसी तरीके से चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम ये पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने आधा गिलास पानी डाला इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक थी और अभी हमें इसे थोड़ा सा पकाना है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल ही जम जाएगी। और बस हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम देखेंगे इसमें बिल्कुल से क्रीमी बन चुकी है और अच्छे से चिकन भी गल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे अमूल क्रीम। ये हमने अमूल क्रीम दी है और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून भर के अमूल क्रीम। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस इसमें इसे सबको मिक्स कर देंगे इसी तरह से। और हम इसे गैस की फ्लेम हम अभी भी मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और बस इसे थिक होने तक जितना आपको चाहिए इतना थिक रख लेंगे और इसको इतना ही चलाएंगे। हमें इतना ही चाहिए था तो इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट और हो चुके हैं हम इसे पकाते पकाते। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट में और इसे बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, चला देंगे थोड़ा सा। और क्योंकि ये जब ये हम इसे सर्व करेंगे तो ये वापस से थिक हो जाएगी, तो हमें एकदम इसे थिक नहीं रखनी, थोड़ी सी पतली रखनी है। और ये लास्ट में 1 चम्मच भर के चीनी डाल देंगे इसके अंदर ताकि टेस्ट का बैलेंस हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद बस हम इसे कर लेंगे सर्व। और ये हमारा बटर चिकन बन के हो चुका है तैयार। और ये इसकी ग्रेवी है और ये इसकी चिकन के पीस है। और ये बहुत ही अच्छे से बन गए, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। और ऊपर से डाल देंगे काफ़ी सारी क्रीम। आप थोड़ा सा क्रीम से खूबसूरत लगता है, थोड़े से ज़्यादा से क्रीम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बटर ऊपर से। आप और ज़्यादा भी बटर डाल सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा डाला है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। और हमारा बटर चिकन बन के हो चुका है तैयार। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।